मैं डॉक्टर हेमलता काटे, आज हम बेभाग एक के लिए धूमिल जी की जो कविता रखी है 20 साल बाद, इस कविता का आशय देख लेंगे। इस कविता के आशय की ओर आने से पहले, इस कविता में जो कवि ने अपने भाव व्यक्त किए हैं उसका थोड़ा सा परिचय, अर्थात इस कविता का उद्देश्य। मूलतः इस कविता के माध्यम से कवि ने आजादी के बाद जो मोहभंग की स्थिति निर्माण हो गई थी उसे प्रस्तुत किया है। आप सब जानते हैं कि आजादी मिलने से पूर्व या आजादी मिलने के बाद तत्कालीन शासक तंत्र के लोगों ने हमारी जनता को यह सपने दिखाए थे कि आज़ादी के बाद यहाँ की जनता खुशहाली का जीवन जिएगी। जो हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसे पूर्णतः दिया जाएगा या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। परंतु आज़ादी के 20 साल के बाद जब यहाँ के आम आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, तब धूमिल जैसे कवि अपनी लेखनी के माध्यम से आम आदमी की भावनाओं को अपनी कविता में व्यक्त करते हैं। ऐसे ही आम आदमी की भावनाओं को, दोषों दिशाओं को चित्रित करने वाली यह कविता है 20 साल बाद। पंक्तियाँ पढ़ेंगे, उसका अर्थ आपको बताएंगे। वास्तव में ऊपर से उसका अलग अर्थ समझ में आता है, लेकिन गहराई में यह पंक्तियाँ बहुत कुछ कहकर जाती हैं। पहली पंक्तियाँ हैं, 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें लौट आई है जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। कैसा जंगल है? हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। सीधा साधा अर्थ लगता है कि एक जंगल है और जंगल में हरे रंग का सैलाब आ गया है जिसमें सारे पेड़ डूब गए हैं और चेतावनी के बाद भी खतरा टल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जो हरी आँख है वह हरी आँख बनकर ही रह गई है। लेकिन इसका अर्थ इस प्रकार है, आज़ादी के पूर्व देशवासियों को सुनहरे सपने दिखाई थे। हरे रंग के जो यह शब्द आया है, मेरे चेहरे में आंखें लौट आई है जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है, इन्हें सुनहरे सपने दिखाए थे। परंतु जैसे देश आजाद हुआ और चुनिंदा स्वार्थांध लोगों के हाथों में गया और तब आम आदमी के सुनहरे भविष्य के सपने धरे के धरे रह गए। आज़ादी के पश्चात तो जनता इस वास्तविकता से अनभिज्ञ थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया लोग इस सत्य से परिचित हो गए थे कि उन्हें क्या मिलने वाला था। परंतु वो कुछ भी नहीं मिला, इसलिए लोगों में असंतोष, निराशा, कुंठा, असहायता निर्माण होने लगी थी और 20 साल बाद यह एहसास हो रहा था कि इतने लंबे सैलाब में हम फंस गए हैं। यानी लोगों को सपने दिखाई थे लेकिन सपने बिल्कुल भी पूरे नहीं हो गए थे। उन्हें लग रहा था हम सैलाब में फंस रहे हैं, अर्थात सुनहरे भविष्य के सपने लेकर भारतवासियों ने आज़ाद भारत में प्रवेश किया, परंतु स्वार्थांध सूत्रधारों ने आत्मकेंद्रित राजनीति को विकसित किया था और जनता के हित को उन्होंने पूर्णतः अलग कर दिया था, यानी किनारे रख दिया था।
जिससे देश का आम आदमी स्वतंत्रता पूर्व काल में जितना अभावग्रस्त शोषित जीवन जी रहा था, उससे अधिक आजादी के बाद 20 साल बाद अभावग्रस्त का वह जीवन जी रहा था या अभावग्रस्तता का वह सामना कर रहा था। एक गहरी निराशा वेदना देश के आम आदमी को झेलनी पड़ रही थी। इसीलिए आम आदमी जैसे इस वेदना से, इस निराशा से ग्रस्त हो गया था और इससे बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया था। जैसे यहाँ कवि ने लिखा है, खतरे को टालने के बाद भी एक खरी आंख बनकर रह गई थी, केवल सपना ही सपना बनकर रह गया था, वास्तव में सपना पूरा नहीं हो गया था, कारण वह सारा सैलाब में डूबता हुआ नजर आ रहा था। यानी उनके सपने डूबते हुए उन्हें नजर आ रहे थे। लेकिन आम आदमी कर भी क्या सकता है, कुछ नहीं कर सकता, कारण वह आम ही होता है। और अगर वह करना चाहे तो कर भी सकता था, कारण उसमें पशुओं के गुण थे, परंतु कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राजनीति के खिलाफ बोलना इतना आसान नहीं होता।